सुप्रभात छात्रों, आरसीएन एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक हमारा कारक का चल रहा है और कारक में हम करण का कारक पढ़ रहे हैं। करणम तृतीया यानी करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है कर्तरी करणयोस् तृतीया। कर्तरी करणयोस् तृतीया यानी क्रिया सिद्धौ यत् सर्वार्थिकं सहायकं भवति तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति। कर्तरी करणयोस् तृतीया यानी कि करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया सिद्धौ यत् सर्वार्थिकं सहायकं भवति क्रिया की सिद्धि करने में जो सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है और जिस कारक की करण संज्ञा होती है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा मैं आपको कि कर्तरी करणयोस् तृतीया यानी कि क्रिया सिद्धौ यत् सर्वार्थिकं सहायकं भवति तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति। क्रिया की सिद्धि करने में क्रिया को सफल करने में क्रिया की सिद्धि करने में जो सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है और उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा बालक कलमेन लिखते बालक कलम से लिखता है। आप बेटा इस वाक्य में देखो बालक कलमेन लिखती लिखने वाला कौन है बालक और लिखना उसका क्या हो गया कार्य हो गया यानी ये तो क्या हो गई क्रिया ये बालक क्या हो गया कर्ता। कर्तरी करणयोस् तृतीया कर्ता यानी कि क्रिया की सिद्धि करने में जो सबसे अधिक सहायक होता हो। अब ये जो कर्ता जो कार्य कर रहा है लिखने का काम कर रहा है लिखने का काम किससे कर रहा है कलम से कर रहा है यानी कि कलम होगी तो वो लिखने का काम करेगा अन्यथा नहीं। तो ये लिखने का जो काम है वो कलम से सिद्ध हो रहा है यानी कि कलम इसके लिए क्या है सहायक है इसलिए इस कारक की क्या हो गई है करण संज्ञा हो गई है और इसमें विभक्ति कौन सी लग गई है तृतीय विभक्ति लग गई है। कलम जो शब्द हो गया तृतीय एक वचन में प्रत्यय लग रहा है एन इसलिए इस में प्रत्यय लग करके क्या हो गया हमारा ये रेखांकित शब्द कलमेन। ठीक है अगर रेखांकित शब्द में अब विभक्ति कौन सी है तृतीय विभक्ति है और कारक कौन सा है करण कारक है। और पूछा जाए कारण क्या है तो आपको बताना है कर्तरी करणयोस् तृतीया। ठीक है यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण है हमारा छात्र कंदुकेन क्रीडति छात्र गेंद से खेलता है। ये खेलने वाला छात्र कर्ता हो गया क्रीडति क्या हो गई क्रिया हो गई। अब इस ये क्रीडति यानी क्रिया खेलने का काम किससे हो रहा है गेंद से हो रहा है। ठीक है इसलिए कंदुकेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। अगला उदाहरण है सुरेंद्र पादाभ्याम चलति सुरेंद्र किससे चलता है पैरों से चलता है। ठीक है सुरेंद्र चलने वाला है चलती क्रिया है इस क्रिया को यानी कि चलने का काम किससे सिद्ध हो रहा है पैरों से सिद्ध हो रहा है इसलिए पैर में पाद शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा जिसकी करण संज्ञा हो जाएगी और तृतीय दो पैरों से चल रहा है तो तृतीय द्विवचन में आ जाएगा पादाभ्याम यानी कि सुरेंद्र पैरों से चलता है सुरेंद्र पादाभ्याम चलते। इसके बाद है कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य वा अनुक्त कर्तरी अपि तृतीय विभक्ति भवति यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य शब्दों में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे देखो रामेण लेखे लिख्यते ये हमारा वाक्य कर्मवाच्य का है। ठीक है रामेण लेखे लिख्यते यानी राम के द्वारा लेख लिखा जाता है तो किसके द्वारा लिखा जा रहा है लेख भाई क्रिया की सिद्धि लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा लिखा जा रहा है राम के द्वारा लिखा जा रहा है इसलिए राम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ठीक है उसके बाद है मया जलम पियते मेरे द्वारा जल पिया जाता है ये भी कर्म वाच्य का है इसलिए मया शब्द शरणम शब्द है अस्मद शब्द है अस्मद प्रथमा विभक्ति तृतीय एकवचन में है मया मेरे द्वारा जल पिया जाता है तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है करण कारक हो गया है। ठीक है कारण पूछा जाए तो कर्मवाच्य तृतीय विभक्ति भवती। इसके बाद है तेन हस्यते यानी उसके द्वारा हंसा जाता है ये भाववाच्य है तो तेन शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इसके बाद अगला नेक्स्ट उदाहरण नेक्स्ट सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने तृतीय विभक्ति सहयुक्ते अप्रधाने
तृतीया विभक्ति यानी सहयुक्त प्रधाने में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस किस में देखो, सह, साकम, सार्धम, समम, और इनका अर्थ क्या है, साथ। पोस्टर में दे रखा है सह साकम सार्धम समम शब्दस्य योगे तृतीय विभक्ति भवति, यानी सह साकम सार्धम समम इनके योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में अगर ये शब्द जहां जहां हो तो वहां पर हमें रेखांकित पद में झिझक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि ये जहां जहां ये शब्द है सह साकम सार्धम वहां पर हमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। यथा जैसे देखो, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ में जाता है। तो बेटा देखो, पिता किसके साथ में जा रहा है, पुत्र के साथ में जा रहा है, तो यहाँ पुत्रेण शब्द में कौन से व्यक्ति का प्रयोग कर दिया है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर दिया है। अब कारण पूछा जाए तो सह योगे रेखांकित पदे, रेखांकित पुत्रेण शब्दे तृतीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद है दूसरा उदाहरण, रीमा नीता साकम क्रीडति, रीमा नीता साकम क्रीडति, यानी कि रीमा नीता के साथ क्रीडति यानी खेलती है, नीतया इसमें आ जाएगा, नीतया, नीतया तृतीय एक वचन में क्या हो जाएगा, नीतया, ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग में, नीतया साकम क्रीडति, रीमा नीता के साथ खेलती है। तो किसके साथ खेलती है, नीता के साथ खेलती है, इसलिए इस नीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय एक वचन में क्या आ जाएगा, नीतया, ठीक है। उसके बाद है तीसरा उदाहरण, ते सौमित्रय साधम क्रीडंती, ते यानी वे सब सौमित्रय अपने मित्रों के साधम साथ में क्रीडंती खेलते हैं। तो किसके साथ में खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ में खेलते हैं, ठीक है, इसलिए रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति हो गई है, तृतीय व्यक्ति हो गई है। इसके अलावा देखो बेटा, निषेधार्थक अलम शब्द से योगे तृतीय विभक्ति भवति, निषेधात्मक यानी निषेध करने के अर्थ में अलम अधिक मत करो इन शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य में निषेध यानी कि मना करना अलम शब्द का प्रयोग जहां हो तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही होता है। यथा जैसे उदाहरण देखो, अलम हसीते अधिक मत हसो, अलम विवादेन अधिक विवाद मत करो, ठीक है बेटा, इन इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। अब देखो हसीतेन में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, तृतीय का, इधर विवादेन में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, तृतीय विभक्ति का, ठीक है। अगर पूछा जाए रेखांकित पदे विभक्ति कारणम च लिखत, तो आपको क्या करना होगा, अलम योगे, कारण तो क्या हो जाएगा, अलम योगे हसीतेन शब्दे तृतीया विभक्ति वर्तते। ऐसे ही इसमें विवादन में भी क्या हो जाएगा, अलम योगे विवादेन शब्दे तृतीय विभक्ति वर्तते, ठीक है बेटा। इसके अलावा और किस किस में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।